मैं हूँ आपके साथ यास्मीन। पीएम मोदी पर बन रही बायोपिक की मुश्किलें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। हाल ही में हमने आपको बताया था कि फिल्म के एक पोस्टर को लेकर मशहूर लेखक जावेद अख्तर ने फिल्म के प्रोड्यूसर पर सवाल उठाया था। यहां तक कि शबाना आजमी ने भी फिल्म के प्रोड्यूसर पर जावेद अख्तर का नाम क्रेडिट लिस्ट में देकर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया था। वहीं अब इलेक्शन कमीशन की तरफ से फिल्म को नोटिस दे दी गई है। खबरों की माने तो दिल्ली के इलेक्शन ऑफिसर ने फिल्म के एडवर्टीजमेंट्स को पब्लिश करने के लिए म्यूजिक कंपनी, प्रोडक्शन हाउस और दो न्यूज़पेपर को नोटिस भेजे हैं। बता दें कि इस मामले पर जवाब देने के लिए सीईओ ऑफिस की तरफ से फिल्म मेकर्स को 30 मार्च तक का वक्त दिया गया है। हालांकि फिल्म के ट्रेलर लॉन्च के वक्त फिल्म की टीम से इस मामले को लेकर मीडिया ने कई सवाल पूछे थे, जिस पर उनका कहना था कि Just 4 days back, several political parties, including Congress, have written a letter to Election Commission asking to put a ban on this film during this election period because they feel that this film is a propaganda film and this will be used as a political tool to get votes for the Bharatiya Janata Party. How do you see this coming? So, आपके सवाल का बड़ा simple जवाब है। हम film maker हैं, वो दूसरे party के politicians हैं। वो अपना काम कर रहे हैं, हमने अपना काम किया है। और रही बात प्रोपेगेंडा फिल्म की, तो आपने ट्रेलर देख लिया है। अब आप लोग जर्नलिस्ट हैं, आप लोग डिसाइड कीजिएगा जब फिल्म रिलीज़ हो जाएगी, कब रिलीज़ होना है फिल्म, कैसे होना है, उस पर हम ध्यान दे रहे हैं। हम फिल्म मेकिंग पे ध्यान दे रहे हैं। हमको ये नहीं देखना है कि कौन क्या बोल रहा है, किसको कहाँ लेटर भेज रहे हैं। हमको सिर्फ ये देखना है कि हम एक सही तरीके से एक सच्ची कहानी को सामने, ऑडियंस के सामने रखते हैं। अब चूंकि ये फिल्म पूरे देश में रिलीज होगी और जैसा कि आप जानते हैं, फिल्म रिलीज के कुछ दिन बाद से ही कुछ राज्यों में वोटिंग शुरू होने वाली है, तो ऐसा माना जा रहा है कि चुनाव से कुछ दिन पहले एक राजनेता के जीवन पर बेस्ड फिल्म के एडवर्टीजमेंट से वोटर्स को किसी पर्टिकुलर पार्टी की तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश की जा रही है। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि इस नोटिस का जवाब फिल्म के मेकर्स कब तक देते हैं। बात करें फिल्म की तो बता दें कि उमंग कुमार के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म 5 अप्रैल को रिलीज होगी और फिल्म में पीएम मोदी के किरदार में विवेक ओबरॉय नजर आएंगे। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।